ఇట్టి ఈ పండుగను ప్రభుత్వం వారు రాష్ట్ర పండుగగా बोनम इसलिए बनाते हैं कि अपन को खेती बारा अच्छा होते, बारिशा गिरते और सब जने बच्चे सब जने अच्छा रहते। अच्छा के दिए माता की कृपा से, माता दिए सो अपन को चावल वही छेड़ा के अपन को माता को छेड़ाते, वो सब जने अच्छा रहने के लिए बोनालू करते रहते। बोनालू 400 वर्ष पूर्व यहाँ पर जब राजा मुसलमान थे, उन दिनों में बाढ़ आने के कारण लोगों को बचाव के लिए जब उन पूरे बीमारियां फैलने लगी तो लोगों ने मन्नत मांगी कि माता हम आपको बोनम चढ़ाएंगे, आप इस बीमारी से रक्षा कीजिए। एक आस्था से भरपूर त्यौहार है, केवल मान्यता के कारण ही, जबकि दवाइयां बिल्कुल नहीं थी, जो थोड़ी बहुत दवाइयां थी भी वो भी ज़्यादा लोगों को बचा नहीं सकती थी, महामारी जैसी फैल रही थी। उन दिनों में इस बोनालू के जरिए लोगों की रक्षा की गई और इसी कारण से तब से लेकर अब तक आस्था वैसी ही बनी हुई है और दिन पर दिन यह बढ़ती ही जा रही है, लेकिन कम नहीं हो रही है। आज भी हर कोई, पहले कुछ लोग मनाते थे, जैसे जैसे मीडिया बढ़ता गया, पेपर बढ़ते गए, समाचार बढ़ते गए, वैसे वैसे लोगों में इसका प्रचार भी बढ़ता गया और आज हर कोई, चाहे वह कितना ही बड़ा साइंटिस्ट हो, लीडर हो या सामान्य व्यक्ति हो, हर कोई बोनम मनाता है और माता जी के पास आता है। उसी में यह जो मंदिर है, यह अक्कन्ना मादन्ना तानाशाह के समय के जो लोग थे, उनके महामंत्री थे, उन दोनों ने इन माता की स्थापना की थी। पहले यह बहुत छोटे रूप में था, बीच में इसकी देखभाल न होने पर मूर्ति का ध्वंस कर दिया गया था, लेकिन बाद में फिर इसे बनाया गया। बोनालू फेस्टिवल के लिए हर साल जैसा मनाते हैं, ये साल हर साल से ज़्यादा अच्छा मनवाकर भक्तों का प्रेम और भावना माँ को पसंद आए, जैसा बोनालू कैसा करना वो फेस्टिवल ये साल में मना रहे हैं। तकरीबन आज के दिन 4 से लेकर 5 लाख लोग शायद मैं समझता हूँ अक्कन्ना मादन्ना टेम्पल को दर्शन करेंगे बोल के उम्मीद करते हैं। आज सुबह से लेकर शाम तक बोनालू चढ़ेंगे, शाम में माता का शांति कल्याण होगा और आज का पूरा बोनालू का फेस्टिवल बहुत अच्छा चला, भक्तों का बहुत कटार चली अभी तक। अभी थोड़ी देर के बाद में ज़्यादा जनता आ सकती है। VIP में देखो अजाना रेड्डी फर्स्ट आए और सरकार के ओर से सलसानी श्रीनिवास यादव माता को पट्टु वस्त्रालु, जो ऑफिशियली जो मंदिर है वो ऑफिशियली मंदिर को लाकर उन्होंने अपना गवर्नमेंट की तरफ से कपड़े माता को चढ़ाकर चले गए। उसके बाद में पूरे जितने भी कांग्रेस के लोग हैं, PCC प्रेसिडेंट है, बाकी के हैं और BJP के लोग हैं, तेलुगुदेशम के हैं, हर पार्टी के एक से एक बड़ा अधिकारी पदाधिदल वाले सभी लोग इस बोनालो में शामिल हुए और आज के शाम के बाद में 6 बजे 7 बजे यहाँ पर एक शांति कल्याण होगा। कि शांति कल्याण का मकसद ये होता है कि पूरा माताजी हमारे लोगों को पूरा अच्छा देखे, हम जो भी आपको दिए वो प्रसन्न से रहो और हमको शांति दो, हमको हमेशा के लिए भूखा मत छोड़ो। जो भी तेलंगाना में जितने भी जिले हैं, पूरे जिले वाले सुख शांति से रहने के लिए प्रार्थना करें। कल सुबह में 11 बजे जो पोतराजू का स्वागत होगा, उसके बाद में 12 बजे भविष्यवाणी जो रंगम कहते हैं वो रंगम का कार्यक्रम होगा, उसके बाद में शाम में 4 बजे आरती के ऊपर
माता का घट को लेकर जुलूस के तहर से लाल दरवाजा मोड़ शाली बंडा चार मीनार पत्थरगट्टी दिल्ली दरवाजा तक तकरीबन 50 से लेकर 60,000 लोग उस जुलूस में शामिल होने का हम उम्मीद कर रहे हैं। और हम हर चीज़ कोई भक्तों को यहाँ आने वालों को पानी का हो प्रसाद का हो कोई चीज़ का कमी ना करते हुए पूरे से पूरे इंतजाम अपने अंगाना माना टेम्पल की ओर से हम किए। Fading sweet memories. Irfan, the designer shop. Inside Diwan Dori, Patrakatti, Hyderabad. Kakaji Wedding Mall Women's Exclusive. Bridal Khada Dupatta. Designer Tail Cuts. Gowns. Complete ethnic wear. Kakaji Wedding Mall Women's Exclusive, Moti Gali Chowmohalla Palace Road, Hyderabad.